हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट ताज़ा कवरेज। जी हाँ, अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, वीडियो को शेयर जरूर क्या करें। शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो हरियाणा में पंच सरपंच चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं, पंचायत चुनाव कमेटी की रिपोर्ट में बीजेपी का फैसला, जिला परिषद पर फैसला बाकी। आदमपुर के साथ ही हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है। पार्टी की पंचायत चुनाव कमेटी ने प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तय हुआ है कि पंच सरपंच के सीटों पर पार्टी कैंडिडेट को सिंबल नहीं देगी, जिला परिषद पर प्रत्याशी को सिंबल दिया जाए या नहीं, इस पर फैसला किया गया है। हरियाणा कांग्रेस गुटबाजी से घबराई, आदमपुर उपचुनाव से पहले संगठन नहीं बनाएंगे, 8 साल से अध्यक्ष भरोसे चल रही है पार्टी। हरियाणा में पार्टी संगठन बनने का इंतजार कर रहे कांग्रेसियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। आदमपुर उपचुनाव के कारण हरियाणा कांग्रेस के संगठन की सूची एक बार फिर से लटक गई है। आदमपुर उपचुनाव से पहले सूची जारी करने पर पार्टी में बगावत और गुटबाजी की आशंका है, इसलिए प्रदेश कांग्रेस अब सूची को उपचुनाव के बाद ही जारी करेगी। हरियाणा के पानीपत में TTE का मर्डर, हनुमान स्वरूप में शामिल हुड़दंगियों ने मारे चाकू, पंजाबी गाने मित्रानु सौग हथियारादा पर मनाया जश्न। हरियाणा के पानीपत में सोनौली रोड पर बुधवार रात एक रेलवे TTE की चाकू घोप कर हत्या कर दी, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हनुमान स्वरूप की आड़ में हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाशों से एक्टिवा सवार TTE और उसके साथी की इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और कहासुनी के दौरान बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय शुरू करेगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, देश के सभी राज्यों के मिलेंगे प्रोडक्ट। हरियाणा के गुरुग्राम से होगी शुरुआत। ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी MRD ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर देश के 28 राज्यों के सभी प्रोडक्ट मिलेंगे। इसकी शुरुआत हरियाणा में शुक्रवार को होने वाली राष्ट्रीय सरस मेले से होगी। अभी तक ये प्रोडक्ट ई कॉमर्स कंपनियाँ जैसे Amazon, Flipkart ऑनलाइन साइट्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी खबर, हरियाणा में पहली बार 2 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, 10 नवंबर के बाद मतदान घोषणा होगी आज। तो हरियाणा के इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले और दूसरे चरण में 11-11 जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग पहले चरण के चुनाव की घोषणा आज वहीं दोपहर 1 बजे करेगा। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह चुनावी कार्यक्रम जारी करेंगे। उत्तर पूर्व में 1-7 और दक्षिण पश्चिम हरियाणा के जिलों में आयोग 1-7 चुनाव करा सकता है। हरियाणा के हिसार में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में किसान नेता और मिस्त्री गिरफ्तार। हरियाणा के हिसार जिले के हांसी शहर में विजयदशमी पर्व पर बुधवार को दहन से पहले रावण के पुतले को गिराकर आग लगाने के प्रयास के मामले में हांसी पुलिस ने किसान नेता दशरथ मलिक व अनिल मिस्त्री को गिरफ्तार किया है। दोनों पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप है। जानते हैं हरियाणा का मौसम अपडेट। तो प्रदेश भर में एक बार फिर से बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने आज और कल यानी कि 8 अक्टूबर को प्रदेश भर में झमाझम बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। तो प्रदेश भर में 8 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। किसान भाई सावधान रहें, सुरक्षित रहें। हरियाणा सरकार ने दी राहत, प्रॉपर्टी टैक्स की फुल पेमेंट करने पर पूरे ब्याज में मिलेगी छूट। तो हरियाणा सरकार ने संपत्ति कर में छूट दी है। अगर संपत्ति कर का एक मुश्त भुगतान करके पूरे ब्याज की छूट का लाभ ले सकते हैं। वर्ष 2010-11 से 21-22 तक संपत्ति कर ना देने वाले इसका लाभ ले सकते हैं। हरियाणा के नूह में जलेबी रोग से बढ़ाई किसानों की चिंता, हज़ारों एकड़ में प्याज की फसल बर्बाद होने का डर। तो हरियाणा के नूह जिले में इस बार करीब 20,000 एकड़ में लगी प्याज की फसल में जलेबी नामक रोग लगने से किसान चिंतित हैं। बीमारी के कारण प्याज के पौधे झुलसने लगे हैं, जिसके कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीर साफ नज़र आ रही है। हरियाणा के हिसार जिले में 3 बार रद्द होने के बाद जिला परिषद में आरक्षण लागू, सीटों की लिस्ट भी जारी। तो हिसार प्रशासन वार्डो के आरक्षण का ड्रा खोलने के लिए घोषणा कर चुका था, मगर ड्रा नहीं खुल सका। सीटों के इस आरक्षण को लेकर के ड्रा इसलिए भी नहीं खुल सका था क्योंकि आदमपुर हाल ही में पंचायत में शामिल हुआ है, इस कारण से यहां वार्ड बंदी करानी पड़ी। तो जहां ये है हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताज़ा बुलेटिन। धन्यवाद।